नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सगनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। बिलाड़ा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी एवं ओलवी के पूर्व सरपंच भगाराम सोलंकी के निधन पर उनके निवास स्थान पर शोक सभा में पहुंचकर अनेक जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजस्थान राज्य पशुधन बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, संतोष आश्रम सौजत शहर के महंत स्वामी चेतन गिरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र सिंह गहलोत, बिलाड़ा पूर्व विधायक अर्जुन लाल गर्ग, राज्यसभा के पूर्व सांसद पद्मश्री नारायण सिंह मानकला, उप जिला प्रमुख विक्रम सिंह विश्नोई, शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रेमचंद साखला, बावड़ी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश टाक, नगर पालिका पिपाड़ शहर अध्यक्ष प्रतिनिधि मीसा राम साखला, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल टाक, पार्षद प्रतिनिधि सुरेश कछवा, आदित्य कछवा, कैलाश टाक, समाज सेवी गणपत सिंह कछवा, संपत राज सैनी, गिरधारी लाल टाक, बाबूलाल ढाका, कांग्रेस नेता करुणा राम कछवा, पिपाड़ शहर पंचायत समिति सदस्य वीपी सिंह पूर्ण, रावर सरपंच सूरज कंवर, बालापुर सरपंच कालू सिंह, छात्र नेता अजय सिंह टाक आदि ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। वही राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिवंगत पूर्व सरपंच सोलंकी के निधन पर उनके छोटे भाई संतोष सिंह सोलंकी को पत्र भेजकर अपनी संवेदना व्यक्त की। शोक सभा में शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश मंत्री सुभाष विश्नोई बावरला, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री प्रकाश विशेष खारा, प्रदेश प्रतिनिधि धनराज परिहार एवं दुर्गा राम चौधरी, पाली जिला अध्यक्ष जवरी लाल प्रजापत, जिला प्रतिनिधि नरेश कुमार सरगरा व जगदीश दगदी, जेतारण ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन कुमावत एवं शिक्षण संघ राधा कृष्णन के पदाधिकारी प्रेम सुख कछवा, मिश्री लाल परिहार, इंदिरा राम देवड़ा, सुगना राम गहलोत एवं बालकृष्ण परिहार सहित अनेक शिक्षण उपस्थित रहे। शोक सभा में ओलवी सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों का तांता लगा रहा।